सिनेमा घर में क्रू देखने चलेगा क्या? तीन हीरोइन अपने सामान दिखाएगी। देख 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 कैसा खुश हो रहा है यू ना कि अच्छी मूवी देख लो सिनेमा घर में, क्रू देखने जाएगा। ना माने ना माने करू बुद्धि लाल। टीवी और ओटीटी जगत को बर्बाद करने के बाद एकता कपूर का न्यू टारगेट है सिनेमाघर, और उनकी इस मुहिम के अंदर आज जो मूवी सिनेमाघर में आई है उसका नाम है क्रू। मैंने इस मूवी को देख लिया और चलिए दोस्तों इसके बारे में ही बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार वीडियो के अंदर शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कॉन्टेंट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। क्रू के अंदर दोस्तों आपको कहानी देखने को मिलती है कोहिनूर नाम की एक एयरलाइंस की, जिसके भाई साहब मालिक है विजय वालिया। अब ये किनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है आपको मालूम पड़ चुका होगा। वेल दोस्तों इसी एयरलाइंस में तीन काम करती एयर होस्टेस जिनकी हालत एकदम टाइट हो चुकी है, एकदम पतली हो चुकी है, क्योंकि उन्हें टाइम पर अपना पेमेंट मिल नहीं रहा है। अब दोस्तों इसके आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जो कि सिनेमाघर में आ गई है। मूवी की लेंथ है 2 घंटा 4 मिनट। क्रू का रिव्यू दोस्तों अगर मैं आपके लिए एक लाइन में करना चाहता हूँ इतना कहूंगा, मार्वेलस आउटस्टैंडिंग फैंटास्टिक। कैसा लगा मेरा मजाक? ये रिव्यू उन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अर्बन ऑडियंस के लिए था जिनको भाई साहब ऐसी मूवीज बड़ी कूल लगती है। अब अगर इस मूवी का ओरिजिनल रिव्यू मैं आपके लिए करूँ तो इतना कहूंगा, क्रू इज अ थू, लिटरली भाई साहब डम पिक्चर है ये, एकदम डम्प, ऐसी डम पिक्चर है जिसके अंदर दम ही नहीं है। देखिए दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इसकी कहानी काफ़ी अच्छी है। अगर इस कहानी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं इस पिक्चर के अंदर तो डेफिनेटली ये मूवी कमाल तरीके से बन के आती, लेकिन जो रास्ता यहाँ पे चुना गया है प्रेजेंटेशन का वो बहुत ही पुअर है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी श्री राम को इंडिया लेके आ गए, लेकिन विजय माल्या उनके हाथ में नहीं आए। लेकिन इन तीन लड़कियों का कारनामा देखो आप कि वो इंडिया के अंदर लेके आ गए विजय वालिया को उनके गोल्ड के साथ में। लिटरली भाई साहब क्या था ये और किसके लिए था? सिनेमा घर में पर्दे पे ये लोग सोना 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 कर रहे थे और ऑडियंस को सिनेमा घर में सोना आ रहा था, ये तो हालत थी। हाँ मेरे पीछे जो फीमेल ऑडियंस बैठी थी वो हर बात पे हंस रही थी, मतलब तब्बू के आ तो उनकी हंसी हा 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 हा, या तो वो पहली बार आए या फिर वो कूल बनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भाई साहब मुझे तो कहीं पे हंसी आई नहीं। लूट केस का डायरेक्टर आपके पास था, कमाल की स्टार कास्ट आपके पास थी, तो एक कमाल की माइंड ब्लोइंग पिक्चर आप बना सकते थे, लेकिन आपने बनाया ये बवासीर जो कि भाई दुख दर्द पीड़ा सब कुछ देने वाला है। देखिए दोस्तों अगर इसी कहानी को थ्रिलर वे के अंदर प्रेजेंट करते तो आई गेस एक बहुत अच्छी मूवी बन के आती, लेकिन जो कॉमेडी का फ्लेवर लाने की कोशिश की है वो एकदम चीप एकदम वल्गर था। आई मीन भाई साहब तब्बू कह रही है कीर्ति को कि तेरा टर्मिनल खोलना, वो वजाइना को टर्मिनल कह रही है और पीछे मेरी ऑडियंस जो है फीमेल ऑडियंस वो हंस रही है। अगर ये डायलॉग सेम डायलॉग कोई हीरो बोलता ना तो वो लड़कियाँ बोलती कितना शेमलेस बिहेवियर रही है, वुमन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, लेकिन जब ये डायलॉग कोई फीमेल बोल रही है तो उनको हंसी आ रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अपने सामान दिखाओ, टर्मिनल खोलो, चौदम पट्टी करो, बस डायलॉग ऐसे ही है पिक्चर के अंदर जिनमें कहने को तो ह्यूमर है लेकिन ह्यू खुद मर चुका है। एक्टिंग की बात करूं तो तीनों का काम मुझे बिल्कुल एरर लगा, स्पेशली करीना कपूर का। करीना कपूर कॉमेडी में बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप जाने की कोशिश करी थी लेकिन हंसी तो भी नहीं आ रही थी। तब्बू को देखकर मुझे दुख हो रहा था यार, मतलब तब्बू क्यों ऐसी पिक्चरें कर रही है, दुखता है दिल यार, ऐसी मूवीज वो कर रही है। और कृति हनन इससे अच्छा तो ये है कि आप आदिपुरुष जैसी खराब पिक्चर बनाओ, फ्लॉप करो, पर ये चीपनेस नहीं यार। कैमरामैन तो कभी भाई साहब तब्बू के क्लीवेज में घुस रहा है, कभी कृति हनन के क्लीवेज में घुस रहा है, कभी कपड़े ऐसे कभी कपड़े वैसे, भाई साहब मतलब कौन सी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो आप, मेरे को समझ में नहीं आ रही थी ये चीज़। कपिल शर्मा सिर्फ नाम मात्र के लिए इस मूवी में सो ऑन दिलजीत पाजी। दिलजीत पाजी ऐसी पिक्चरें मत करो यार, ये आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करती है, कोई मतलब नहीं ऐसी मूवी का। हाँ दोस्तों मूवी का म्यूजिक अच्छा है और गाने सुनने में अच्छे हैं, जिस टाइप से भाई साहब ओल्ड गाने के रिक्रिएशन को एज ए बीजीएम यूज़ किया है पिक्चर में वो काफ़ी स्मार्ट मूव था, वो अच्छा लगा था। सोना कितना सोना है उस गाने को जिस टाइप से यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिक्रिएट किया है इस मूवी के अंदर वो चीज़ भी अच्छी थी। ऑल एंड ऑल अर्बन फीमेल ऑडियंस को माइट भी ये मूवी कूल और फनी लगेगी,
लेकिन भाई साहब नॉर्मल ऑडियंस के लिए ये पिक्चर लंडी फंड से कुछ ज़्यादा नहीं है यार। एक तरफ मडगांव एक्सप्रेस जैसी पिक्चर आई थी सिनेमाघर में जो कि हिलेरियस थी, वहाँ पर ऑडियंस जा नहीं रही, लेकिन ऑडियंस को देखनी है क्रू, गजब बात है यार। मैं दूंगा क्रू को 4 out of 10। बात करूँ पैनल गाइडलाइंस की तो दोस्तों डबल इन डायलॉग यहाँ पर आपको सुनने को मिलते हैं। एक जगह पर एक बंदे का हथियार भी खड़ा था, दिलजीत और कीर्ति का लव मेकिंग सीन भी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों बस ये था मेरा रिव्यू मूवी क्रू पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो पर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन पर हिट करो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर सकूँ। दोस्तों कि आपने देखी ये मूवी, अगर देखी तो आपको कैसी लगी वो प्लीज़ यार कमेंट में शेयर करना। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।